लिया है उस रेडियस को चेंज नहीं करना, जो रेडियस लिया है उस रेडियस को चेंज नहीं करना, और यहां पर कंपास की मीडियम रखकर पेंसिल से यहां पर आर्क लगा दीजिए उतने ही सेम रेडियस से, वो लगा दिया, और फिर इसको इसको ऐसे ज्वाइन करते हुए ये लाइन ऐसे निकल, ये वाला पॉइंट हो गया, इसको वाई बोल दीजिए, तो ये 60 डिग्री बन गया पूरा का पूरा, ये पूरा 60 डिग्री का एंगल बन गया। अब मुझे 60 डिग्री का बाइसेक्टर बनाना है, तो बाइसेक्टर बनाना बेहद आसान है। आप क्या करेंगे, जैसे 60 डिग्री है, आप रेडियस कितना भी रेडियस ले लीजिए, कितना भी आपका जरूर मन करे, थोड़ा छोटा ले लो या ज्यादा ले लो जैसा आपका मन करे। एक बार आप कंपास की नीडल को यहां रख कर एक आर्क कैसे लगाएंगे, फिर उतने ही रेडियस पर आप कंपास की नीडल यहां रखकर एक आर्क कैसे लगाएंगे, और दोनों को ऐसे जोड़ देंगे, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा और ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये इस तरीके से 50-50 में ये बाइसेक्ट हो गए। बाइसेक्ट का मतलब ये है कि एंगल को आधे आधे में डिवाइड कर देना। बताइए क्लियर है? क्लियर यस सर। है? चलिए जी, एक तो ये है इसमें टॉपिक। अगला जो टॉपिक है वो देखिएगा क्या है, पेज नंबर 192 एनसीईआरटी में ही, पेज नंबर 190 सॉरी 190 कंस्ट्रक्शन 11.2। कंस्ट्रक्शन इलेवन पॉइंट टू, अब देखिएगा इसको किस तरीके से करेंगे। यहां पर इन्होंने क्या बोला है, टू कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन लाइन सेगमेंट, टू कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ टू कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन लाइन सेगमेंट। बेहद आसान है। अगर मान लीजिए मेरे पास कोई भी लाइन सेगमेंट हो, मान लीजिए मेरे पास 10 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट है, अगर मेरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उसका बनाना है, तो मतलब मैं उस 10 सेंटीमीटर पर एक परपेंडिकुलर वाली लाइन चाहता हूँ, तो उस पर एक परपेंडिकुलर वाली लाइन आ जाए, और वो जो लाइन है वो उसको बाइसेक्ट करे, यानी कि उसको 10 सेंटीमीटर की लाइन है तो उसको 5-5 सेंटीमीटर के दो टुकड़ों में डिवाइड करते। कैसे करेंगे देखिएगा, हमने एक लाइन सेगमेंट कैसे बनाया है, तो ये इसको बोल दिया ए, इसको बोल दिया बी। अब ये जो ए बी की लेंथ है, ये टोटल 10 सेंटीमीटर है, ए बी की जो लेंथ है ये टोटल 10 सेंटीमीटर है। अब आपको क्या करना है, अब आप अंदाजे से आप ये देखेंगे कि अगर कोई आपसे बोले कि आधी लेंथ कितनी होगी, तो आप कहेंगे अंदाजे से शायद इतनी होगी, शायद इतनी होगी आधी लेंथ। तो आपको क्या करना है, आधी से ज्यादा लेंथ ले लो, कंपास में आप आधी से ज्यादा लेंथ ले लीजिए, मतलब यहां से लेकर और मान लीजिए यहां तक वाली लेंथ आपको लगता है कि आधी है, तो आप यहां से लेकर यहां तक वाली लेंथ ले लो आधी से ज्यादा। आधी से ज्यादा आपने लेंथ ले ली, और आधी से ज्यादा लेंथ लेकर आप कंपास की नीडल यहाँ रखकर एक आर्क कैसे लगाओ, कंपास की नीडल यहाँ रखी एक आर्क कैसे लगाई, कंपास की नीडल यहाँ रखकर दूसरी आर्क कैसे लगाई, इसी तरह से कंपास की नीडल दोबारा यहाँ पर रखकर एक आर्क कैसे लगाई, कंपास की नीडल दोबारा यहाँ रखकर एक आर्क कैसे लगाई, और इन दोनों को ऐसे 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 आप ज्वाइन करते हुए चलेंगे। जब आप ज्वाइन करोगे तो ये बन गया 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल का मतलब क्या है, ये हो गया परपेंडिकुलर, और मुझे चाहिए बाइसेक्टर भी साथ में, तो बाइसेक्टर का मतलब क्या है, ये 10 सेंटीमीटर है टोटल, तो बेटा ये कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, ये
और 5 सेंटीमीटर ये, बताइए समझ गए? ठीक बताओ, क्लियर है यहां से? यस सर। ठीक है, तो हमें करना क्या है, हमें आधे से ज्यादा लेंथ लेकर और फिर एक बार इस पॉइंट पर रखकर आर्क लगानी है, और फिर इस वाले पॉइंट से नीचे की तरफ एक आर्क, वही आधे से ज्यादा वाला डिस्टेंस रखकर एक बार यहाँ से एक आर्क ऐसे और यहाँ से एक आर्क ऐसे, फिर जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगे दोनों को ज्वाइन कर दीजिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, उसके बाद पेज नंबर 191 पर है कंस्ट्रक्शन 11.3। ये बिल्कुल सिंपल है, देखिएगा क्या है, टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट, एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ अ गिवन रे, एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ अ गिवन रे, एक मिनट वेट करिएगा बस। हाँ जी, तो देखिए ये वाला जो है कंस्ट्रक्शन 11.3, इसमें है टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ अ गिवन रे, तो ये तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये तो वही चीज है जैसे ये 60 डिग्री का यहाँ आपको पहले बनाकर दिखा। ठीक है, तो ये कोई मुश्किल नहीं है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो देखिए, एक्सरसाइज 11.1 जो है, अच्छा ये बताओ 90 डिग्री एंगल बनाना आता है? बताइए बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, यस सर, ये आता है ना बनाना? चलो, तो अब आप आ जाइए पेज नंबर 192 पर कंस्ट्रक्शन 11.4, ये इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 192 कंस्ट्रक्शन 11.4। ऐसा आता है ना बनाना 90 डिग्री 45 डिग्री, बता देना। हाँ सर आता है। आता है, चलिए जी ठीक है, तो पेज नंबर 192 कंस्ट्रक्शन 11.4 ये देखिएगा। टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल गिवन इट्स बेस, construct a triangle, comma, given its base, to construct a triangle, comma, given its base, a base angle, given its base, comma, a base angle, one space, comma, a base angle, and sum of other two sides. And sum of other two sides. To construct a triangle given its base. अगर मान लीजिए हमें एक ट्राइंगल हमें एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है, ट्राइंगल बना, उसमें मेरे को क्या क्या चीजें दे रखती है देखिएगा, गिवन इट्स बेस, मतलब जैसे मान लीजिए कोई भी ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल की तीन साइड्स है, तो उसकी जो नीचे वाली साइड है ना, बेस वाली साइड, वो साइड दे रखी है मेरे को, साइड दे रखी है का मतलब क्या है, साइड की लेंथ दे रखी है। ठीक है, तो जो गिवन इट्स बेस का मतलब क्या है, साइड की लेंथ दे रखी है, जो बेस वाली साइड है उसकी लेंथ दे रखी है, कॉमा, अब बेस एंगल, बेस का एक एंगल दे रखा है, एंड सम ऑफ अदर टू साइड्स, बाकी की जो दो साइड्स है उनका सम दे रखा है। ठीक है, देखिएगा ये इस तरीके का जो क्वेश्चन है,
मतलब ये वाली अगर चीजें दे रखी है, मान लो मेरे को कोई ट्राइंगल बनाना है, ट्राइंगल का मुझे बेस दे रखा हो, ट्राइंगल के बेस के साथ साथ मुझे एक बेस एंगल दे रखा हो और बाकी की जो दो साइड्स हैं उनका सम दे रखा हो, ठीक है। जब इतना सब कुछ दे रखा हो तो मैं ट्राइंगल किस तरीके से बनाऊंगा ये देखना। तो इस पर एक क्वेश्चन देखेंगे। बेटा एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, मतलब इस वाले मेथड का एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एबीसी। BC is equal to 75 degree. And AB plus AC is equal to, and AB plus AC, AB plus AC is equal to 13 centimeter. AB plus AC is equal to 13 centimeter. ये दे रखा है। तो देखिए तरीका क्या होता है इसमें, इसके steps of construction क्या है। आप ये देखिएगा यहाँ पर मुझे क्या दे रखा है कि एक तो triangle बनाना है ABC, in which BC is equal to 7 centimeter, यानी कि एक साइड दे रखी है, एक एंगल दे रखा है 75 डिग्री और बाकी की जो तो दोनों साइड्स है उनका सम दे रखा है। तो यानी कि क्या दे रखा है, गिवन इट्स बेस, बेस दे रखा है, तो BC पर आप बेस बनाइए। ऐसे हम इसमें क्या करेंगे, जब इसका कंस्ट्रक्शन करना होगा ना, तो सबसे पहले मैं करूंगा बेटा रफ स्केच बना लूंगा। रफ स्केच हमेशा आप लोग बना सकते हैं, पेंसिल से या पेन से कैसे भी आप बना सकते हैं, वो रफली बनाना है आपको, ठीक है। तो वो कैसे बनेगा, आपने ऐसे लिखा, ये एक ट्रायंगल बना लिया ऐसे रफली, हाथ से बनाया, स्केल वगैरह कुछ यूज नहीं करा, इधर बोल दिया ए, ये बी और ये सी। तो जो बेस है ना बीसी, जो बेस बीसी है, ये दे रखा है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर ये है बेस बीसी, ठीक है। और जो एंगल बी है, ये वाला जो एंगल बी है, ये दे रखा है 75 डिग्री, ठीक है। उसके अलावा जो ये वाली साइड है AB प्लस AC, इन दोनों साइड्स का सम मुझे दे रखा है कितना, 13 सेंटीमीटर। समझ गए क्या क्या दे रखा है, देखिएगा इसमें मेरे को दे रखा है एक तो BC, तो मैंने रफ बना लिया ऐसे ही हाथ से, तो एक तो BC दे रखा है मुझे कितना, 7 सेंटीमीटर, एंगल बी दे रखा है 75 डिग्री, और दूसरा AB प्लस AC, मतलब AB और AC का सम दे रखा है 13 सेंटीमीटर। क्लियर है, ये चीज मुझे दे रखी है। अब देखिएगा कि हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करके कंस्ट्रक्शन करना है। देखिएगा सबसे पहले मुझे इसमें क्या करना होता है कि जो बीसी है ना, सबसे पहले मैं ये बीसी बना दूंगा 7 सेंटीमीटर, सबसे पहले हमने ये बना लिया बीसी और इसकी लेंथ बना ली बेटा 7 सेंटीमीटर। अब ये जो बीसी बनाया है, प्रॉपर मैंने स्केल की हेल्प से मेजर करके बनाया है, वो तो रफली बना लिया था, ये स्केल की हेल्प से मेजर करके मैंने 7 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट बना लिया। उसके बाद फिर मुझे बी पर बनाना है 75 डिग्री, 75 डिग्री बनाना जानते हैं, 90 और 60 को बाइसेक्ट करना है। किस तरीके से, आप ये देखिएगा कि सबसे पहले मैंने यहाँ पर मीटर बनाया और एक एंगल ऐसे बना लिया,
मतलब एक आर्क लगा लिया ऐसे, फिर यहाँ पर कंपास का नीडल रखकर एक आर्क ऐसे, फिर यहाँ पर कंपास का नीडल रख के एक आर्क ऐसे। अब अगर इसको इससे ज्वाइन करा, हाँ चलो, मैंने क्या करा कि यहाँ पर ये कर लिया, ये 60 डिग्री का आर्क हो गया, ये ना ये हो गया 120 डिग्री का आर्क। फिर यहाँ पर नीडल को रखा और एक आर्क ऐसे, यहाँ पर नीडल को रखा और एक आर्क ऐसे, तो हम क्या करेंगे 90 डिग्री वाले को डॉटेड लाइन से बना लेंगे ऐसे, ये 90 डिग्री वाला हो गया। फिर आप क्या करेंगे, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, यहां से आप कोई भी रेडियस लेकर, कोई भी रेडियस लेकर यहां से एक आर्क ऐसे लगा दो और यहां से एक आर्क ऐसे लगा दो, तो ये जो एंगल बनेगा तो ये वाला एंगल बन जाएगा 75 डिग्री। ये समझ में आ गया सबको, समझ गए? बताइए बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चे बताइए, क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब आगे देखिएगा मैंने क्या करा। ओके ओके, मैंने इस वाली रे को बोल दिया बी एक्स, इसको बी एक्स बोल दिया। फिर क्या करेंगे, फिर आपको क्या करना है कि जो बाकी की दो साइड्स दे रखी है, जिसका सम कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर, जैसे देखो ये है AB plus AC is equal to 13 centimeter दे रखा है, तो आप यहाँ पर स्केल रख के और यहाँ से 13 सेंटीमीटर मेजर कर दो, और 13 सेंटीमीटर पर आप एक ऐसे आर्क लगा दो, ठीक है, 13 सेंटीमीटर पर आप एक ऐसे आर्क लगा दो और इस पॉइंट को बोल दो बेटा D, और इस D को C से ज्वाइन कर दो, D को मैंने C से ज्वाइन कर दिया। बताइए जी, समझ गए? नहीं, दोबारा बताता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, दोबारा बताता हूँ। देखिए, हमने कहा कि सबसे पहले मैंने रफ स्ट्राइक बना दिया, ये जो बी सी है ना, ये 7 सेंटीमीटर, एंगल बी बनेगा 75 डिग्री, और ए बी प्लस ए सी का सम दे रखा 13 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले मैंने बी सी ड्रॉ कर दिया 7 सेंटीमीटर का, फिर यहाँ 75 डिग्री एंगल बनाया, 75 डिग्री एंगल तक तो क्लियर है, हाँ। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो 75 डिग्री एंगल बनाया है, तो ये रे मैंने बना दी पूरी, मतलब एक लंबी लाइन बना दी और इसको मैंने बोल दिया x, बी एक्स। अब हमने क्या करूंगा, जो ए बी प्लस ए सी दे रखा है ना, ए बी प्लस ए सी कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर, तो 13 सेंटीमीटर आप यहाँ पर स्केल रखकर और आप यहाँ से लेकर यहाँ तक 13 सेंटीमीटर मार्क कर लो डिस्टेंस, मैंने डी जो मार्क करा 13 सेंटीमीटर पर मैंने मार्क करा, ठीक है, तो ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ हो गई 13 सेंटीमीटर। उसके बाद मुझे क्या करना है, मैंने डी से सी को ज्वाइन कर लिया, मुझे बताइए यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है जी। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ वाला एंगल मेजर कर लेंगे, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल मेजर कर लेंगे, लिखिएगा मेजर, सबसे पहले तो आप यहां पर लिखेंगे ड्रॉ BD इज इक्वल टू AB प्लस AC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, तो ये हो गया एक स्टेप। और दूसरा स्टेप क्या है कि मेजर एंगल BDC, फिर ड्रॉ एंगल BCY इक्वल टू एंगल BDC, बस ये काम करता है। अभी ये DCY कहां पर, DCY ये है, ये वाला आपने एंगल मेजर कर दिया, मान लीजिए ये वाला एंगल 30 डिग्री आ गया, तो अब आप क्या करोगे, यहां पर हाँ तो ये है ना DC, तो आपको क्या करना है, प्रोटेक्टर यहां पर रख लेना है,
और यहां पर रखकर मान लो ये वाला एंगल 30 डिग्री है, तो प्रोटेक्टर यहां पर रखकर 30 डिग्री एंगल बना लेना ऐसे, और इस पॉइंट को बोल दीजिए y, ये वाला एंगल इसके इक्वल होना चाहिए, बल्कि इस लाइन को थोड़ा लंबा निकाल लो ऐसे, इसको बोल दीजिए y, d c y, यहां तक समझ में आया? मैं दोबारा बता रहा हूं, हमने BC बनाया 7 सेंटीमीटर का, यहां पर हमने 75 डिग्री का एंगल बना लिया, फिर हमने एक लाइन बनाई ऐसे 75 डिग्री वाली लाइन बनाई इतनी लंबी, उस लाइन पर हमने 13 सेंटीमीटर पर एक निशान लगा लिया, मार्क लगा दिया यहाँ पर, इसको मैंने ज्वाइन कर लिया सी से, फिर मैंने प्रोटेक्टर की हेल्प से ये वाला एंगल मेजर कर लिया, जितना ये वाला एंगल है ना ऐसा ही एंगल आपको इतना ही एंगल यहाँ बना लेना है, मान लो 30 डिग्री यहाँ पर बन रहा है, मान लो ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री यहाँ पर बन रहा है, तो आप इस पॉइंट को ऐसे ज्वाइन करते चले जाओ, इस लाइन को बोल दो भाई, और ये जो BD लाइन है ना इसको जहां पर ये इंटरसेक्ट करेगा ये A हो जाएगा, ABC इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल, ABC इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल, बताइए समझ में आ गया? यस सर। ठीक है जी, जो ए डी सी एंगल है वो हमें ए सी डी लेना है, ए सी डी के इक्वल लेना। हाँ, ये जो ए सी डी है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, तो फिर सीधी सी बात है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की बनी होगी, ये वाली साइड पर ये वाली साइड भी हो रही है, लेकिन हालांकि दिखाई नहीं दे रही है ना, बनाया ऐसा है कि वैसा लग रहा है। ठीक है जी, ये वाला कंस्ट्रक्शन क्लियर है, चले आगे। यस सर। ठीक है, एक मिनट रुको बस। अगला देखते हैं जी, यहां पर करूंगा इस तरह, तो हमारी कोई भी चॉइस हो सकती थी सर, हमें ये नहीं पता है कि एबी की क्या मेजरमेंट है, जब बन गया तो फिर तो हम मेजर कर सकते हैं, हम जब जैसे बन गया तो बन गया, तो मैं क्या करूंगा, मैं ए बी को मेजर कर लूंगा और ए सी को मेजर कर लूंगा और दोनों का सम आप देखना 13 ही आएगा। चलिए जी, अगला है कंस्ट्रक्शन, ये है पेज नंबर 193 पर कंस्ट्रक्शन 11.5। कंस्ट्रक्शन 11.5 में देखिएगा क्या है, टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल गिवन इट्स बेस, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल कॉमा गिवन इट्स बेस, to construct a triangle given its base, comma, a base angle and the difference of the other two sides
the difference of the other two sides. And the difference of the other two sides. ठीक है, अब यहाँ पर ना देखिए क्या है, बिल्कुल इसी के जैसा है। यहाँ पर क्या है, कंस्ट्रक्टर ट्रायंगल गिवन इट्स बेस, इसमें क्या है कि बेस दे रखा है, इसमें भी बेस दे रखा है। अब बेस एंगल, एक बेस एंगल यहाँ पर भी दे रखा है और इस वाले कंस्ट्रक्शन में भी बेस एंगल दे रखा है, मतलब दूसरी कैटेगरी है कंस्ट्रक्शन की। लेकिन यहाँ पर क्या था, सम ऑफ अदर टू साइड्स, बाकी की दो साइड्स का सम दे रखा था, यहाँ पर डिफरेंस ऑफ द अदर टू साइड्स, बाकी की दो साइड्स का डिफरेंस दे रखा है। ठीक है, तो इसमें दो तरीके के केसेस आते हैं। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या है कि बेस तो दे रखा हो, बेस बीसी एक तो ये गिवन हो, ठीक है, और एबी माइनस एसी ये गिवन हो, तो यार AB is greater than AC and यहाँ लिखो case first, case first यहाँ लिखो, where AB is greater than AC, case second क्या हो जाएगा, where AB is less than AC, फिर difference होता है। डिफरेंस जैसे साइज का डिफरेंस है, जैसे हम ये बोलेंगे फादर की और सन की जो एज है उनमें 20 साल का अंतर है या 25 साल का अंतर है, तो हम ये कह सकते हैं कि अब हमें ये नहीं पता, हमें यहाँ पर ये पता है कि फादर बड़े होंगे और बेटा छोटा होगा, ये हमें पता है, तो ए बी इज ग्रेटर देन एसी ये हमको पता है। लेकिन अगर मान लीजिए ये बोला जाए कि दो फ्रेंड्स हैं उनकी एज में 3 साल का अंतर है, लेकिन ये नहीं पता कि बड़ा कौन सा, तो अगर हम बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बड़ा जिसकी एज ज्यादा है फ्रेंड की उसमें से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक, और अगर छोटे वाले में से बड़े वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा। तो वही चीज है, दो केसेस हो सकते हैं, एक केस है कि वेयर एबी इज ग्रेटर देन एसी, दूसरा केस है वेयर एबी इज लेस देन एसी, ये दो अलग अलग केस है लेकिन हम एक ही तरह से करके चलेंगे। ठीक, मैं इस पर एक क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर टू है, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एबीसी, एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर टू है, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एबीसी, हेलो आरुण, अब देखिएगा कंस्ट्रक्ट का ट्रायंगल एबीसी इन विच बीसी इज इक्वल टू एक्स एंगल थीटा, कंस्ट्रक्ट का ट्रायंगल एबीसी इन विच which BC is equal to 8 cm, comma angle B is equal to 45 degree, angle B is equal to 45 degree and AB minus AC is equal to 3.5 cm and AB minus AC is equal to 3.5 cm. देखिए इसमें क्या करना AB minus AC is equal to 3.5 cm. इसमें आप देखिएगा कि यहां पर
सबसे पहले वही काम करना है कि आपने बीसी बना लेना है यहाँ पर कितना 8 सेंटीमीटर का, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये हो गया कितना डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो गई। इसके बाद एंगल बी इज इक्वल टू दे रखा है 45 डिग्री, फिर आप यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल बना लो। 45 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे, वही आपने कोई भी रेडियस लिया, ये आर्क ले लिया, ये 60 डिग्री की आर्क, फिर यहाँ से लगाई, ये हो गई 120 डिग्री की आर्क, फिर यहाँ से एक आर्क कैसे लगाई, यहाँ से एक आर्क कैसे लगाई, ये 90 डिग्री की आर्क हो गई, इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया। अब ये वाला पॉइंट हो गया एक, और एक ये वाला पॉइंट, मतलब मुझे 45 डिग्री बनाना है, तो मुझे 90 डिग्री का बाइसेक्टर बनाना होगा। तो 90 डिग्री क्या हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली आर्क ये 90 डिग्री की आर्क हो गई। तो मैंने कोई भी रेडियस लेकर इस पॉइंट पर नीडल रखा कंपास का, यहाँ एक आर्क लगाया, इस पॉइंट पर नीडल रखा कंपास का और यहाँ एक आर्क लगा दिया, और फिर इन दोनों को मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया। और ऐसे ज्वाइन करके इसको मैंने बोल दिया एक्स बी एक्स, वही काम जो मैंने यहाँ पर करा था कि पहले BC बनाया 7 सेंटीमीटर, फिर ये वाला एंगल यहाँ बना लिया 75 डिग्री, फिर यहाँ से एक पूरी लंबी लाइन बनाकर और इस पॉइंट को मैंने बोल दिया, ये वाला जो पॉइंट है इसको बोल दिया BX। इसी तरीके से यहाँ पर मैंने BC बना लिया 8 सेंटीमीटर, वाली BC बना लिया 8 सेंटीमीटर, फिर यहाँ बनाया 45 डिग्री का एंगल और इसको ऐसे स्ट्रेट ड्रॉ करके और इसको मैंने बोल दिया X, ये हो गया BX। उसके बाद देखिएगा, ये करने के बाद में मुझे यहाँ पर ये जो AB माइनस AC दे रखा है ना 3.5 सेंटीमीटर, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से 3.5 सेंटीमीटर पर ऐसे एक कट बना लूंगा, ये वाली लेंथ मेरी होगी 3.5 सेंटीमीटर यहाँ तक, इसको मैं बोल दूंगा पॉइंट D, इसको D बोल दूंगा। वही काम जो यहाँ पर करा था, यहाँ पर दोनों का जो सम दे रखा था उसको डी बोल दिया था। फिर क्या करना था, जैसे यहाँ पर डी से सी को ज्वाइन करा था, यहाँ पर भी डी से सी को ज्वाइन कर दो, ये हो गया डी और सी ज्वाइन। फिर क्या करना है, जब डी और सी ज्वाइन हो गया तो ये जो बी सी है ना, इस बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लो, ये जो डी सी लाइन आई है इस डी सी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लो, बस ये काम करो। तो कैसे होगा, आप BC का आधे से ज्यादा लेंथ ले लो, आधे से ज्यादा लेंथ क्या हो गई भाई, कितना लगभग इतना है ना, आधे से ज्यादा लेकर एक आर के इधर, इस पॉइंट से 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 एक आर इधर, और इसको ऐसे ज्वाइन कर, ये हो गया। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है बेटा, इस पॉइंट को बोल दूंगा मैं ए और इससे बी को ज्वाइन, ABC is the required triangle। पहले वाले को, पहले वाले को भी करा जा सकता है। ABC is the required triangle। ओके बस, बताइए समझ में आया कि नहीं? नो सर, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। दोबारा उतारो, देखिएगा क्या करा हमने। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या दिया था, कि बेस दे रखा था BC, BC बनाया 8 सेंटीमीटर, उसके बाद BX ये वाली लाइन मैंने कितनी बनाई 45 डिग्री, एंगल B दे रखा था 45 डिग्री, ये 45 डिग्री बना दिया। ये बनाने के बाद दोनों का जो डिफरेंस दे रखा है AB माइनस AC, ये क्या दे रखा है 3.5, तो B से आपने 3. यहाँ पर D पर आपने मार्क लगा दिया 3.5 सेंटीमीटर लेंथ पर, तो BD हो गया 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं बताओ? यस सर। ठीक है, ये करने के बाद में फिर क्या करना है, अच्छा एक मिनट, एक गड़बड़ कर दी मैंने यहाँ पर, देखिए हमने AB माइनस AC
ये 3.5 सेंटीमीटर यहाँ आ गया, थोड़ा क्लियर बना रहा हूँ, ये 3.5 सेंटीमीटर यहाँ पर आ गया, ये पॉइंट डी है, फिर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लो, डीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना, यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। यहाँ तक समझ गए? अब आपको क्या करना है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लो, तो आधे से ज्यादा लेंथ लेकर एक आर्क यहाँ और उसी तरीके से एक आर्क यहाँ, आधे से ज्यादा लेंथ लेकर एक आर्क यहाँ, उसी तरह से यहाँ से एक आर्क यहाँ, इसको हमने ऐसे 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 ज्वाइन करा, और फिर ना मुझे ये देखना है कि ये लाइन कहाँ मिलती है, तो यहाँ पर एक्स पे जाके ये वाली लाइन ना यहाँ मिल रही है, ये वाला पॉइंट ए होगा, मैंने गलती से ये वाला पॉइंट ले लिया था, ये वाला पॉइंट ए होगा, समझ गए? और फिर ए और बी तो मिला हुआ ही, इस ए से सी को ज्वाइन करना है, ए बी सी इज द रिक्वायर्ड एंगल, ऐसे बने, समझ गए? Yes, DC का perpendicular bisector करके पूरी लंबी लाइन खींची और ये देखेंगे कि वो जो ये वाली लाइन है ना BX, इसको कहाँ काटेगा, उसको यहाँ काट रहा है वो इस पॉइंट पर, तो इस वाले पॉइंट को आपने बोल दिया A और फिर A से C को ज्वाइन कर दिया, तो A B C इज द रिक्वायर्ड ट्रैक्टर, ठीक है? हाँ जी, हाँ हाँ बिल्कुल, आप ये देखो ये बीसी लाइन था, बीसी हो गई 1 सेंटीमीटर, फिर आपने क्या करना है यहाँ पर एंगल बी बना लो 45 डिग्री का, फिर मैंने एक लंबी लाइन खींच दी, इतनी लंबी काफी लंबी है ना, वो लाइन खींचने के बाद में फिर आप यहाँ पर जो ये दे रखा है ना ए बी माइनस ए सी 3.5, आप स्केल यहाँ पर रखकर और 3.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस मेजर कर लो और यहाँ आप लगा दो 3.5 सेंटीमीटर लगा दी, फिर इसको आप सी से जॉइन कर लो, डीसी हो गया, फिर डीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लो, लंबी लाइन खींच देना, ये लाइन इस वाली लाइन को बी एक्स को जहां पर काटेंगी वही पॉइंट ए हो जाएगा, फिर ए से सी को जॉइन कर दो, ए बी सी इज द रिक्वायर्ड, ये ABC आइसोसेलस ट्रायंगल, हाँ जैसे यहाँ पर था यहाँ पर ज्वाइन कर दिया, नहीं ये वाला नहीं, ये जो एंगल वाला है ना, एंगल वाला पड़ता है इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि आप देखो कि यहाँ पर मैंने क्या करा था, यहाँ पर डीसी को क्या करा था, लेकिन अगर ये तो आइसोसेलस ट्रायंगल नहीं हुआ तो सर मेजरमेंट तो गलत आएगा, क्योंकि डी अगर सी ए के इक्वल होगा तभी तो बी ए माइनस सी ए करेंगे तभी 3.5 सेंटीमीटर आएगा, दोबारा बोलो, डी ए अगर सर डी ए अगर सी ए के इक्वल होगा बी ए माइनस सी ए करेंगे तभी 3.5 सेंटीमीटर आएगा ना, बी डी अगर आएगा नहीं तो फिर उससे पता क्या हो रहा है, उससे ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल नहीं आ रहा, कौन सा है सर, मैं कह रहा हूं कि ADC और BC एंगल इक्वल हो, हां हां वो ही, क्योंकि यहां पर पता है कौन सा इक्वल है, यहां पर ये वाला और ये वाला इक्वल है, यहां पर क्या होगा, यहां पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये सही कह रहा हूं बिल्कुल सही, तो सर वो थोड़ा टाइम सेविंग होगा, तो आपने देखो कि जैसे हमने क्या करा, ये वाली लाइन तो बनानी बनानी है 45 डिग्री, वो बनाने के बाद में फिर जो है ना, फिर मुझे यहाँ पर 3.5 से मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, ये ड्रॉ करने के बाद तुम ये कह रहे हो कि मैं ये वाला एंगल मेजर कर दूँ,
और एग्जैक्टली ऐसा एंगल यहाँ बताओ, हो जाएगा तरीके में, मतलब ये कर सकते हैं, कर सकते पक्का, समझ गए। चलिए जी बेटा, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं।